सौरभ यादव, ग्राम मजनाव का मैं रहने वाला हूँ। कौन से विद्यालय में पढ़ते थे? मैं पहले फैजियाम में पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता हूँ। आपका नाम विद्यालय से क्यों काटा गया? एक रहीमदास का दोहा था तो एक लड़का था मुस्लिम और हम थे, कई लोग थे साथ में, तो हमने बोला कि वो बोला कि ये रहीमदास का दोहा क्यों पढ़ रहा है, कुरान पढ़िए। तो हमने कहा हम कुरान क्यों पढ़े, आप भी पढ़िए रामायण और रामचरित मानस। तो मतलब वो अपने धर्म की बड़ाई करने लगे तो हमारा नाम स्कूल से खारिज कर दिया गया। हनुमान चालीसा भी पढ़ने की बात कहते आप? हम बोले थे कि हनुमान चालीसा और इसमें पढ़ना क्या है, हम हिंदू हैं तो पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं होगा। विद्यालय में और क्या क्या होता है? विद्यालय में जैसे सरिया कानून के हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम कक्षा 8 से पढ़ रहे हैं और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपने कानून के हिसाब से। अभी तक हमने पढ़ा है वहाँ पर भारत माता की जय नहीं होती है। अच्छा। और वो अपना ही प्रेयर करवाते हैं, सिर्फ राष्ट्रगान होता है बस। अच्छा। वंदे मातरम भी नहीं बोला जाता? वंदे मातरम भी नहीं बोला जाता है। और सारे जहाँ से हिंदुस्तान है तो दूसरा एक इकबाल को यह लिखा है वो पढ़ाते हैं। अच्छा। अब आपकी खबर छपने के बाद फिर अब विद्यालय प्रबंध तंत्र से कोई फ़ोन होना आया आपको? वो प्रिंसिपल सर बोले कि आइए आपका हम एडमिशन कर रहे हैं, तो हमने बोला नहीं हमें नहीं पढ़ना है, हम ब्राइट कैरियर में लिखवा लिए। इससे पहले जब आपकी ये हो गया था तो उन्होंने क्या कहा, आपका नाम काट दिया गया? उन्होंने कहा आप धर्म उन्माद फैला रहे हैं, कल को और बच्चे बोलेंगे यही सब, इसलिए आपका नाम खारिज कर दिया गया, आप टीसी लेकर जाइए, कहीं दूसरे स्कूल में पढ़िए। आप टीसी लाने क्यों नहीं गए? कल गए थे लेकिन वो गए मंडे को आना, आप फ़ोन कर रहे हैं कि आपकी टीसी रोक दी गई है, आप आइए पढ़िए। अच्छा, आप खबर छपने के बाद बोल रहे हैं टीसी रोक दी गई है, पहले क्या बोले थे? पहले बोले थे टीसी लेकर जाओ, कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ो, यहाँ पर ये सब नहीं होगा, ये मुसलमान संस्था को आगे बढ़ाने के लिए खुला है। अच्छा। जो यहाँ पर रामचरितमानस और रामायण पढ़ेगा उसके लिए यहाँ पर कोई वो नहीं है, पकड़ा गया तो उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा, इसका कोई आधार नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगता है कि विद्यालय में प्रेयर नहीं होती है, ये गलत है। प्राइमरी हमारा 7 से 11 चलता है छोटे बच्चों का, उसमें प्रेयर होती है, मुस्लिम बच्चों की प्रेयर अलग होती है और हिंदू बच्चों की प्रेयर उनके हिसाब से, उनके संस्कार के हिसाब से होती है, उसमें गायत्री मंत्र हम पढ़ाने का आदेश दिए हुए हैं। और 11 से और जो सेकंड सिक्स से इंटर तक के बच्चे हैं, क्योंकि इतना हमारे कॉलेज में इतना ज़्यादा उछल पुछल रहती है, उधर एक छोटा और एक बड़ा, तो उसमें प्रेयर नहीं हो पाती। टाइम भी हमारे पास 11 से 3:30 का रहता है, तो उसमें हम इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अच्छा, जो आरोप है कि आपके यहाँ वंदे मातरम के नारे नहीं लगते हैं और मुस्लिम नहीं, वंदे मातरम के नारे कब लगेंगे? जब कोई क्या नाम है सामूहिक बच्चे इकट्ठा होते हों, समझ रहे हैं आप, तब तो वंदे मातरम क्या, जब कोई लगावे वंदे मातरम तो उसको रोका तो गया नहीं। हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर के मौके पर एक सामूहिक होता है, उसमें सब कुछ होता है, राष्ट्रगान होता है, भारत माता की जय बोली जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक आरोप है कि जो खबर चली सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में कि धार्मिक उन्माद फैलाने के कारण दो बच्चों को निष्कासित किया गया, तो उस पर क्या उतना क्या मसला? उसमें क्या है, अभी आपके समक्ष मैंने बच्चों के साथ रजिस्टर रखे और उसके आपने फोटो भी लिए, उसमें कहीं बात लिखी हुई है कि धार्मिक उन्माद के कारण का नाम काटा गया है? क्या माना जाए, पूरी तरीके खबर अफवाह बनाई गई? अफवाह तो है ही है, ये तो हमारी हमारे कॉलेज की गरिमा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है।